नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में जानेंगे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक इन अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 बाइक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 10th पोजीशन पर आती हैं TVS की अपाची सीरीज। TVS की अपाची सीरीज की 40,943 यूनिट सेल हुई हैं अक्टूबर के महीने में। इस अपाची सीरीज में TVS की 5 बाइक्स आ जाती हैं, 160, 164V, 180, 204V और RR310। इन पांचों बाइक्स की टोटल सेल हुई है अक्टूबर के महीने में 40,943 यूनिट। 9वें नंबर पर आती हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। इस बाइक की 41,953 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर के महीने में और दिल्ली एक्सपो में प्राइजेस जाती है इसकी 1,61,000 रुपये से लेकर 1,86,000 रुपये तक। 8वें नंबर पर आती हैं बजाज की CT 100। इस बाइक की 51,052 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर के महीने में और दिल्ली एक्सशोरूम प्राइजेस जाती है इसकी 44,122 रुपये से लेकर 51,802 रुपये तक। 7वें नंबर पर आती है बजाज की प्लेटिना। बजाज प्लेटिना की 60,967 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर के महीने में और इसमें बजाज प्लेटिना के दो वेरियंट आ जाते हैं, बजाज प्लेटिना 100 और बजाज प्लेटिना 110। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइजेस जाती है इसकी 50,592 रुपये से लेकर 63,027 रुपये तक। 6वें नंबर पर आती है हीरो की पैशन प्रो। पैशन प्रो की 75,540 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर के महीने में और दिल्ली एक्सशोरूम प्राइजेस जाती है इसकी 67,500 रुपये से लेकर 68,700 रुपये तक। 5वें नंबर पर आती है हीरो की ग्लैमर। हीरो ग्लैमर की 78,439 यूनिट सेल हुई हैं अक्टूबर के महीने में और दिल्ली एक्सशोरूम प्राइजेस जाती है इसकी 71,000 रुपये से लेकर 74,500 रुपये तक। 4th पोजीशन पर आती है होंडा की सीबी साइन। सीबी साइन की अक्टूबर के महीने में 118,547 यूनिट सेल हुई हैं और दिल्ली एक्सशोरूम प्राइजेस जाती है इसकी 69,415 रुपये से लेकर 74,115 रुपये तक। 3rd नंबर पर आती है बजाज की पल्सर सीरीज। बजाज पल्सर सीरीज की टोटल 138,218 यूनिट सेल हुए हैं अक्टूबर के महीने में और 2nd पोजीशन पर आती हैं हीरो की अच्छप डिलेक्स। हीरो अच्छप डिलेक्स की 233,061 यूनिट सेल हुए हैं अक्टूबर के महीने में और दिल्ली एक्सशोरूम प्राइजेस जाती है इसकी 48,950 रुपये से लेकर 59,800 रुपये तक। और नंबर 1 पर वो बाइक आई है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है और वो है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। अगर इसमें सुपर स्प्लेंडर की सेल्स को भी ऐड कर लिया जाए तो स्प्लेंडर प्लस और सुपर स्प्लेंडर दोनों के मिला के 315,798 यूनिट सेल हुई हैं अक्टूबर के महीने में और अगर केवल स्प्लेंडर की यूनिट को देखा जाए तो 243,407 यूनिट सेल हुई हैं स्प्लेंडर प्लस की अक्टूबर के महीने में और सुपर स्प्लेंडर की 72,391 यूनिट सेल हुई हैं अक्टूबर के महीने में। तो ये थी वो टॉप 10 बाइक्स जो कि सबसे ज़्यादा बिकी हैं अक्टूबर 2020 में। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक इन अक्टूबर 2020। टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही ऐसे अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।